हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग टेक्नोलॉजी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली न्यूज़ निकल के आती है गूगल की तरफ से। गूगल ने लॉन्च कर दिया अपने दो न्यू स्मार्टफोन, गूगल पिक्सल 3 XL, जिनकी प्राइस स्टार्ट होती है गूगल पिक्सल 3A की 39,999 से और गूगल पिक्सल 3A XL की 44,999 से। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है ASUS की तरफ से। ASUS ZenFone का अभी एक टीज़र सामने निकल के आया था, जिससे हमें पता चलता है कि ASUS ZenFone 6 16 मई 2019 को लॉन्च होगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है Samsung की तरफ से। Samsung ने खुद ने कंफर्म कर दिया है कि वो अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जो कि स्क्रीन के अंदर हिडन होगा फ्रंट कैमरा फ़ोन का। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है रियलमी की तरफ से। रियलमी एक्स की एक लाइव फ़ोटो लीक हुई है, जिससे पता चलता है कि उसके पीछे कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। इसका मतलब ये आता है कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस 7 प्रो की प्राइस लीक हुई है, इससे पता चलता है कि वो फ़ोन स्टार्ट होगा 50,000 रुपीज़ है, और दूसरा उसमें कोई IP सर्टिफिकेशन नहीं होगा वाटर रेसिस्टेंट का। दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है कॉलकॉम की तरफ से। कॉलकॉम के अपकमिंग स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के दो वर्जन हो गए, एक 4G वर्जन और एक 5G वर्जन। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस 7 प्रो में HDR 10 प्लस का सपोर्ट होगा, UFS 3.0 स्टोरेज बेस्ड होगा, और शायद तक माना जा रहा है स्टीरियो स्पीकर्स भी अपन को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है रियलमी की तरफ से। रियलमी एक्स का एक ऑफिशियल अपडेट सामने निकल के आया है, जिससे पता चलता है कि ये 15 मई को लॉन्च होगा, और एक रियलमी एक्स यूथ एडिशन की भी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है ओप्पो की तरफ से। अपकमिंग ओप्पो रेनो डिवाइस में 60x का डिजिटल जूम होगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है रियलमी की तरफ से। रियलमी एक्स के बॉक्स की एक फ़ोटो लीक हुई है, और रियलमी एक्स की भी एक फ़ोटो लीक हुई है, जिससे हमें पता चलता है ये बिल्कुल होने वाला है बेजललेस, और इसमें होगा स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाला कैमरा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस 7 प्रो की एक फ़ोटो लीक हुई है, जिससे पता चलता है ये है आलमंड कलर। बाय द वे, दिखने में तो गोल्ड कलर है, लेकिन जो वन प्लस ने इसका ऑफिशियल नेम रखा है वो आलमंड कलर रखा है। बाकी ब्लैक एंड ब्लू तो कंफर्म है कि उस कलर में तो डिवाइस आएगा ही। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ निकल के आती है रियलमी की तरफ से। रियलमी एक्स में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 91.2 का, और एमोलेड स्क्रीन होगी, क्योंकि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वन।